जब तक जिंदा हूँ तब तक हर रोज वीडियो पोस्ट करती रहूंगी, और जिस दिन मैं ना करूँ तब समझ लेना अगले दिन करूंगी। वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद मेरेचा। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ सरस्वती पूजा या फिर आप कह सकते हो बसंत पंचमी मेकअप लुक। आप इसे किसी भी येलो आउटफिट के साथ क्रिएट कर सकते हैं किसी भी पार्टी या फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले कर लेते हैं अपना स्किन केयर। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और उसके बाद सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का ये क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। इसको हाथों के बीच में लेकर फैला लें और फेस पर पैटिंग मोशन में अप्लाई कर लें। इसके बाद अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ममा अर्थ का ये लिप बाम। फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं ले रही हूँ प्लम का ये ग्रीन टी मॉइस्चराइजर, और इसको मैंने अपने पूरे फेस एंड नेक पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। प्राइमर के लिए मैंने लिया है मेबलिन फिटमी का ये मैट एंड पोरलेस फेस प्राइमर, जो कि है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए। इसमें एक ड्राई स्किन के लिए भी वेरिएंट आता है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको मैं अपने स्किन पर पुश करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। इस मेकअप के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अपने फेस को हाईलाइट नहीं करना है, इसके लिए जो कंसीलर है वो मैं अपने फाउंडेशन से पहले ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने लिया है मेबलिन फिटमी का ये कंसीलर जिसका शेड नंबर है 20 सैंड। इसको मैं अपनी आईलिड्स पर, अंडर आईज पर, ब्रिज ऑफ नोज पर, माउथ के अराउंड एंड फोरहेड पर अप्लाई कर रही हूँ, और एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इन सब एरियाज पर इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन के लिए यहाँ पर मैं चूज कर रही हूँ लैक्मे की सीसी क्रीम, जो कि काफी लाइट वेट है और इससे बहुत ज्यादा हैवी लुक नहीं आता है, नेचुरल से लुक के लिए काफी अच्छी रहती है। तो इसको मैंने अपने पूरे फेस एंड नेक पर अच्छे से डॉट्स में अप्लाई कर लिया है, और सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। जब भी आप फाउंडेशन या फिर सीसी क्रीम वगैरह बीबी क्रीम ब्लेंड करें तो बहुत अच्छे से टाइम लगाकर ब्लेंड करें, और अपने ईयर एंड जो है नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो सरस्वती पूजा मेकअप जो कि हम विंटर्स में कर रहे हैं, तो मैं इस बेस को सेट करने के लिए कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह का यूज़ नहीं करूंगी, इसको नेचुरली ड्राई होने दूंगी। तो मैं 2 मिनट का वेट करूंगी इसके लिए। इसके बाद आईब्रोज को फिल करने के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ये आईब्रो पेंसिल, जो कि है डार्क ग्रे कलर में। इससे अच्छे से अपने आईब्रोज को फिल करके और इसके साथ दिए हुए ब्रश से इसको कोम कर लूंगी। दोनों आईब्रोज मैंने फिल कर ली हैं। इसके बाद मैं आई मेकअप के लिए ले रही हूँ निक्स का ये अल्टीमेट आई शेडो पैलेट, और इसका ये जो है पिंकिश पीची शेड लेकर इसको अपने क्रीज एरिया पर अप्लाई करूंगी और अच्छी तरीके से टाइम लगाकर इसको ब्लेंड करूंगी। हल्का सा कोने पर आप वी का शेप दे दीजिए, और इस तरीके से अपनी दोनों आईज को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे ये येलो वाला शेड चाहिए, बट अगर मैं इसको ब्रश से लगाऊंगी तो आप देख सकते हो कि इसका जो है पे ऑफ कितना कम आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर स्पॉन्ज एप्लीकेटर का यूज कर रही हूँ, और इससे थोड़ा सा बेटर हो जाता है जो इसकी जो है ओपेसिटी है। तो मैं यहाँ पर ब्रश की जगह पर ये स्पॉन्ज एप्लीकेटर से इसको अप्लाई कर रही हूँ, और 2 से 3 बार आपको जब तक कि जो है आपका डिजायर कलर ना मिल जाए तब तक आप उसमें से पैलेट में से शेड लेकर और उस पर अप्लाई करते रहिए। और ये जो शेड है इसको हमें इनर कॉर्नर से 3/4 एरिया तक अप्लाई करना है। तो अच्छे से इसको अप्लाई कर लेने के बाद जो क्रीज पर हमने शेड लगाया है उसके साथ इसको अच्छे से मर्ज कर लेंगे, और उसके बाद कॉर्नर के लिए मैं ये ग्रीन शेड ले रही हूँ। तो कॉर्नर पर जो आउटर कॉर्नर्स हैं उस पर मैं इसको वी के शेप में अप्लाई करूंगी, और पहले वाले येलो शेड के साथ बीच में हल्का हल्का सा मर्ज करूंगी। तो अब आप देख सकते हो कि ये अप्लाई हो चुका है, बट थोड़ा सा ग्रीन ज्यादा आ रहा है, तो मैं वापस से येलो वाला शेड लूंगी और उसको थोड़ा सा और डार्क करूंगी, जिससे कि कॉर्नर पर वो जो ग्रीन शेड है वो हल्का सा आपको दिखाई दे, बाकी पर आपको येलो शेड मिल जाए। चूंकि मेरे कुर्ते में येलो एंड ग्रीन शेड है तो इसलिए मैं ये 2 शेड्स का यूज कर रही हूँ। तो ये हो गया मेरा दोनों आईज पर जो आई शेडो कम्प्लीट। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ काजल, तो उसके लिए ममा अर्थ का मैंने कोल लिया है, और इसको मैं अपनी लोअर एंड अपर दोनों वाटर लाइन पर अप्लाई करूंगी, और बहुत मोटा नहीं लगाऊंगी, पतला सा लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें हैवी काजल नहीं लगाना है। इसके बाद मैंने लैक्मे का ये इंस्टा आईलाइनर ले लिया है, और इससे मैं एक पतला सा आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ और एक छोटा सा पतला सा विंग भी निकाल रही हूँ।
तो दोनों आईज मैंने कंप्लीट कर ली है और बहुत ही प्यारा सा मेकअप लुक तैयार हो गया है। और अब मैं सेम वही जो ऊपर हमने आई शेडो लगाया था उसी तरीके से काजल के नीचे भी मैंने 3/4 एरिया तक येलो और कॉर्नर्स में ग्रीन कलर हल्का हल्का सा काजल के नीचे अप्लाई कर लिया है। इससे आईज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देंगी। अब मैंने ले लिया है मेबलिन का ये हाइपर कर्ल मस्कारा और इसकी दो दो कोट्स मैं अपर एंड लोअर लैशेस पर अप्लाई कर लूंगी, जिससे कि हमारी आईज बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी और सुंदर दिखाई देती हैं। तो ये आप देख सकते हो कि आई मेकअप मेरा कंप्लीट है। अब मैं ले रही हूँ शुगर का ये ब्लश जिसका नंबर है 04 सालमन सुपरस्टार, और इसको मैं अपने चीक्स पर अप्लाई कर लूंगी। बहुत ही प्यारा सा नेचुरल सा लुक आ जाता है इसको लगाने के बाद। इसको मैंने अपनी नोज एंड चिन एरिया पर अभी अप्लाई कर लिया है। अब मैंने लिया है इनसाइड्स का ये क्रीमी हाइलाइटर और इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर पर निकालकर और अपने फेस के हायर पॉइंट्स पर अप्लाई कर लूंगी। सेम हाइलाइटर को मैं एक ब्रश पर लेकर अपनी ब्रॉ बोन पर भी अप्लाई कर रही हूं। लास्ट में आती है लिपस्टिक की बारी, तो यहां पर मैंने लिया है ये मेबलिन का जो है क्रीमी लिपस्टिक है जिसका शेड है गेट रेडी, और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सी लिपस्टिक है। स्टार्टिंग में जब मैंने इसको परचेज किया था तभी ये क्रैक हो चुकी थी, टूट गई है, तो इसको इसी तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। बट बहुत ही प्यारा सा एक रेड शेड आता है और एक शायद ये पाउडर मैट रेंज से है इनकी, तो बहुत ज्यादा क्रीमी नहीं होती बट आपके लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है और विंटर्स के लिए काफी अच्छी ये लिपस्टिक है।